चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल राजमा और चावल, जो खा के ना पहाड़ों की याद आती है। यहाँ पे मैंने प्याज लिया था 2-3 मीडियम साइज़ के, 8-10 लहसुन की कलियाँ और एक टुकड़ा अदरक का। यहाँ पे लिया है रफली चॉप किया हुआ मैंने टमाटर, 2-3 टमाटर थे ये। यहाँ पे मैंने राजमे को 3-4 घंटे भिगो दिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। उसके पानी को बिल्कुल मत फेंकिएगा नमक डाल करके। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम किया है। उसको गरम करने के बाद में मैंने बिल्कुल महीन महीन चॉप कर लिया था प्याज, अदरक और लहसुन। उसको अच्छे से भून लेना है, इसको पीस के मत डालिएगा, बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे बनाइएगा, तो बहुत ही बड़ा सा फ्लेवर आने वाला आपके राजमे में। यहाँ पे कुछ सूखे मसाले लिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे गरम मसाला, छोला मसाला और यहाँ पे अमचूर पाउडर। ये सारे मसालों की लिस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लिया है मैंने बिल्कुल महीन महीन चॉप किया हुआ टमाटर, जो इसमें ऐड कर देना है। जब ये अच्छे से प्रॉपर भुन जाए फिर हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सारे सूखे मसालों को इसमें से अच्छे से ऐड कर दीजिए। सूखे मसाले ऐड करने के बाद में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें मसाले को भूनना है। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो ये मसाले जलने लगेंगे, ये एक ट्रिक है। आप हमेशा इस तरह से भूनेंगे मसाले को तो हमारा मसाला जलेगा भी नहीं और बढ़िया से हमारा मसाला प्रॉपर वे में भुन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसी वे में इसको भूनते रहिए प्रॉपर वे में। अब क्या करना है देखिए, अच्छे से इसको भूनिएगा। अब हमारा ऑयल रिलीज़ हो चुका है, इसका मतलब हमारा मसाला प्रॉपर भुन चुका है। ये एक साइन होता है हमारे मसाले को भुनने का, अगर हमारा ऑयल रिलीज़ हो चुका है साइड बाय साइड। अब क्या करना है, यहाँ पे ये राजमा जो मैंने बॉईल करके रखा था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और राजमे में मैंने ऑलरेडी एक नमक डाला हुआ था, इसे नमक मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। आप भी अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को और ग्रेवी को ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी मैं इतनी ही थिक रखूँगी और राजमे में ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से मिल जाए, इसलिए मैं इसमें 10 मिनट तक और बॉईल दूंगी। अब हम करते हैं बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल और ढाबा स्टाइल प्लेटिंग। यहाँ पे एक लेना है बाउल, उसमें लेना है एक छोटा सा बाउल और उस छोटे बाउल पे लगा देना है ऑयल और साइड साइड से हमें चावलों को इसके फिल कर देना है। इस तरह से प्रॉपर वे में इसको फिल करते जाइए, बिल्कुल इसी प्रोसेस से। जब ये हमारा देखिए चावल बिल्कुल अच्छे से फिल हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा चावल डाल करके और अच्छे से फिल करेंगे और इसको हाथ से प्रेस कर देंगे। अब करने हैं यहाँ पे एक प्लेट, प्लेट इसको ढक दीजिए और इसको पलट दीजिए। ये देखिए बिल्कुल इसी वे में, अब ये देखिए एक राइस का बॉल बनके बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। यहाँ पर क्या करना है, राजमा को इसमें सर्व करना है इसी राइस के बाउल में। ऐसे ही मिलता है ना वहाँ पे, मज़ा आ जाता है ना खा के। बस इस तरह से आप इसको गार्निश करिए लेमन और ग्रीन चिली एंड अनियन से, और इसमें डालिए थोड़ा सा शुद्ध घी अगर आप पसंद करते हैं तो, और फिर इसको आप इंजॉय कीजिए, राजमा चावल पहाड़ों वाला, आहा। और भाई जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो लोग करिए सब्सक्राइब, और जो लोग हैं पुराने वो करिए लाइक एंड शेयर, और ऐसी न्यू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।